गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार यदुवंशी, आप देख रहे हैं PVR स्टडी की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में DLED की क्लास। और ये सुबह के 6 बज चुके हैं। आपकी थर्ड सेमेस्टर की मैथ होगी, जो कि 3 दिन होती है सप्ताह में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सिर्फ टाइम बदला है, जो 4 बजे रात में था वो सुबह 6 बजे हो गया है, क्योंकि 4 बजे बहुत से आराम फरमाने वाले भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उनकी दिक्कत को देखते हुए हमने टाइम चेंज कर दिया, 6 बजे सही रहेगा। चलिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने घातांक के कुछ मूलभूत सिद्धांत देख लिए थे, मतलब वैसे दौड़ भाग वाला। अब थोड़ा हम लोग रूल से चलेंगे, नियम कानून से चलेंगे, क्योंकि नियम की बहुत बड़ी पाबंदी होती है इंडिया में। अगर कोई सिपाही या आर्मी की कोई अन्य आदमी जान भी ले लेता, फिर भी उसको गोली चलाने का आदेश नहीं होता है, तो वो सब अलग बात है। तो हम भी नियम से चलेंगे। यदि ए तथा, यहाँ पर पहले देखना फर्स्ट नियम, जिसे हमने आपको बता तो दिया है लेकिन कुछ अलग तरीके से बताया था, अब इसको लीगल तरीके से बताएंगे, वो थोड़ा अनलीगल तरीका था। लीगल तरीका ये है कि यदि ए एक धनात्मक परिमेय संख्या है, यम और यन कोई धन पूर्णांक है, तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो ए की घात यम इंटू ए की घात यन इक्वल ए की घात यम प्लस यन होता है। ये तो हो गया किताबी लिखावट। बाकी एक देसी भाषा में जो हम आपको समझाते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, बस यही याद रखो, ये सब जाने दो। लेकिन इसको पेपर में हो सकता लिखने को आ जाए तो मास्टर जी गुस्सा ना हो, इसलिए ऐसे लिख देना, ठीक ना। देखिए कैसे, हाँ, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, मतलब जैसे 3 की घात 7 और 3 की घात 5 है, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 12। अब 12 कहाँ से आया, ये बड़ी मुसीबत है, ये 12 ही 7 और 5 को जोड़ के आया, ठीक। तो ये इसी रूल पे चल रहा फिलहाल। इसको ए की जगह पे क्या है, वहाँ पर देखो 3 है, क्योंकि दोनों देखो बराबर है, 3 है ना, इसमें दोनों ए है, यम की जगह पे 7 है, यन की जगह पे क्या है 5 है, तो इस तरह से जोड़ोगे 7 और 5 12 हो जाएगा, एक ही जगह पे 3, तो ये इतना हो गया। ये घातांक का पहला नियम है, लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको और ढेर सारी बातें इसमें बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए आज एक न्यू मार्कर आया हुआ है, इधर देखना, दूसरा थोड़ा पतला चलेगा, अभी ये नया है। जैसे हमने लिख दिया 3, काहे लिखे बार बार, 13 की घात लिख लो 3, और ये लिख लो 13 यानी कि 13 की घात 7, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 की पावर 3 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 13 की पावर 10। बात समझ में आई, उसी रूल पर इसको भी किया मैंने। तो ये पहला नियम घातांक का, याद रखना नीचे की दोनों नंबर बेस नंबर जो हैं वो बराबर होंगे, याद रखना, तभी ये रूल लगेगा। और हाँ, यहाँ पर और देखना, अगर 13 की घात 5 है और गुणा ये है 12 की घात 7, तो ये जो है उस तरह से नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है ये, इस तरह का रूल उसमें फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 13 है, मतलब 13 13 है, यहाँ पे देखो 13, यहाँ 12 है, समझ गए ना। ये घातांक का पहला नियम है, लिख लीजिए, हम इसमें से अभी आपको होमवर्क देंगे लास्ट में, लेकिन अभी इसको नोट करिए। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम देखना, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का विभाजन, जो पहला नियम लिखा था उसके ऊपर चाहे ये मोटी मोटी हेडिंग लिख लेना, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, इसको लिख लेना, ठीक, बात समझ में आई। आगे चलें, हाँ आगे क्या करना है, अगर ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन है तो वो ए की पावर यम माइनस एन हो जाता है, ये किताबी लिखावट है, इसको देख लो। देसी भाषा में जो हम आपको समझाते हैं वो ये होता है कि भाग करने पर घातें घट जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, लेकिन उसका आधार अर्थात बेस हमेशा इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक। हाँ, और जो हमने अभी एक इधर लिखा था ना, यदि ए एक परिमेय संख्या है, यम तथा यन एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ए की पावर यम डिवाइड बाई ए की पावर यन इक्वल ए की पावर यम माइनस वन, वो सब गाथा लिख लेना ऊपर, पहले नियम में हमने लिखा था ना, देख लो उसको, उसी तरह से सब कुछ लिखोगे जैसे पहले नियम में लिखा था, नीचे केवल ये बदलेगा बस, ठीक, इतना क्लियर है ना। आगे चलें, हाँ एक बात और याद रखना यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि यम हमेशा यन से बड़ा रहेगा यहाँ पर,
हाँ नहीं तो घटाओगे तो घात के ऊपर माइनस में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यम हमेशा यन से बड़ा रहेगा, अगर ये 7 रहेगा तो ये 6 रहेगा या 5 रहेगा, अगर ये 3 रहेगा तो ये 2 या 1 रहेगा। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल। हाँ एक बात और, इसको आप बटे में भी लिख सकते हो, ए की पावर यन माइनस यम, मतलब यन को पहले कर लो यम को बाद में, ये भी कर सकते हैं स्थिति और सिचुएशन मतलब के अनुसार। एग्जाम्पल देखना, जैसे अगर लिखा है बार बार 3 क्यों लिखते हैं, 30 लिख दिया, 30 बोलते हैं, ये 30 है और ये 13 है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ना। अगर इसकी घात 9 है और ये डिवाइड बाई है 30 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 30 की घात 9 -5 इक्वल हो जाएगा 30 की घात 4, ये उत्तर हो गया। इसी तरह का आप कोई भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं इसमें, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दिखा देंगे, इनको नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिसको लेना है जल्दी करें। साइड में दिख तो रहा है पूरा ना, अच्छी तरह से दिख रहा है ना, एकदम मस्त दिख रहा है, बहुत दूर में दिख रहा है जी, चाहे जितना दौड़ो यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ भी लिख लो यार समझने के लिए। जैसे हमने लिख दिया 19 की पावर 13 और डिवाइड बाई 19 की पावर 7, इसका आंसर हो जाएगा 19 की पावर 13 -7 इक्वल 19 यानी कि 19 का पावर 6, दिस इज द राइट आंसर। ये घातांक के दूसरे नियम के अनुसार, इसमें कोई भी एग्जांपल कर लो, दूसरा तीसरा आठवां दसवां कुछ भी कर लो, जैसे ए बी की पावर 19 डिवाइड बाई ए बी की पावर 18 लिख दो, ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 19 -18 इक्वल हो जाएगा ए बी की पावर 1, मतलब समझना बस। बाकी सवाल क्या आता आपकी परीक्षा में, 19 की जगह 39 आ गया, 20 आ गया, 18 आ गया, तो क्या नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे ना। तो बस ये दूसरा नियम है, अभी इसमें ढेर सारा हम आपको देंगे सवाल घर के लिए, याद रखना, पूरा क्लास देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, छोड़ के मत जाना बीच में। और हाँ नेक्स्ट, अगला देखने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इधर देख लेना, ए की पावर 0 का मान 1 होगा, ये तो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी हो चर अचर। जैसे ए लिखा है या 19 मान लो लिख दो, इसकी घात 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1। याद रखना, बहुत जगह पूछा जाता है, आपको फंसा दिया जाता है, अगर 190 लिखा है इसकी घात 0 है तो इसका मान 1, कुछ भी लिखा है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। और दूसरी बात, इस तरह की कहीं कंडीशन बनती है 0 की पावर n मतलब कुछ भी बोल दो, 0 की पावर n इक्वल असंभव है, ये संभव नहीं है। कैसे, जैसे कह दो 0 की पावर 7 अपान ये 0 की पावर 5 इक्वल ये हो जाएगा 0/0, है ना, 0/0 हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर आपका 0 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर इस स्थिति में कहीं आता है तो ये संभव नहीं है, कैसे नहीं, इसको हम थोड़ा सा आपको और क्लियर करेंगे, एक मिनट रुकना, किस तरह से नहीं है, वो तो संभव है 0 की पावर 7 और 0 की पावर 5 वाला। देखिए इसको हम यहाँ पर ये क्लियर करेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, ये घात जो है वो दोनों एक समान थोड़ी रहेगी, एक यम रहेगी एक यन रहेगी ना, ये ऐसे आएगा यम यन, तो ये फाइनल में घटाओगे तो यम की पावर यन बनेगा, मतलब घटेगा, है ना। तो वैसे अगर इसको करोगे, ये तो साधारण भाषा में इस तरह से संभव है, लेकिन घातांक का नियम लगाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। कैसे, ये 0 की पावर 7 -5 हो जाएगा और फिर 0 की पावर जो है कितना आएगा आपका, ये 2 आएगा या जो भी आएगा, तो ये एक प्रकार से संभव नहीं होगा। कैसे, अगर 0 की पावर 0 है, 0 की पावर 0, तो ये असंभव होगा, ठीक ना, बात समझ रहे हैं, 0 का जो 0 है वो परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, गड़बड़ होगा, मतलब इम्पॉसिबल होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 का पावर 0 नहीं हो सकता। घात वाली संख्या की भी घात निकालना, ध्यान से देखना इसको क्या कह रहा है ये, अगर किसी संख्या के घात के ऊपर घात लगी है तो उसका भी क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की पावर यम और यम की पावर यन इक्वल ए की पावर यम इंटू यन हो जाता है। जैसे अगर इसे हम बोल लें कि 7 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तो इक्वल ये क्या हो जाता है, 7 का पावर 3 इंटू 2 और फाइनल में 7 का घात 6 आ जाता है।
बात समझ में आई ना? बस कॉन्सेप्ट समझना, बाकी कुछ मत समझना, छोड़ देना सब कुछ। ये हो गया एक एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर दूसरा का देख लो, यहाँ पर 2 का पावर 3 और यहाँ पर बाहर लगा दो 5, तो फाइनल में ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 और लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर 3 × 5 का 15। बात समझ में आई ना? साथियों, आपने इन लाइनों को तो सुना होगा, शिकवा करूँ या शिकायत करूँ पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लाइनें काहे लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं किया होगा, है ना? तो फिर भी आपकी क्लास, हमारी कोशिश होती है कि YouTube पर सभी के लिए उपलब्ध हो, जिन लोगों ने किया वो भी, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी। लेकिन यहाँ पर कुछ भौतिक समस्याएं हैं जो कि आ जाती हैं, तो फिर ऊपर से अलाउ नहीं होता कि क्लास को सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए। ऊपर से कहने का मतलब सारा सिस्टम हमें ही मैनेज करना होता है, लेकिन बात ये होती है कि जो और भी फ्रेंड लोग वर्क करते हैं साथ में, वो कहते हैं भाई अपने मन का करोगे, जो मर्जी वो करो, फिर हमसे कोई मतलब नहीं है, सब रूठने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जल्दी में ही देखिए, ये तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मार्कर का इंक है जो कि एक साथ में आता है अगर तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, फिर भी 300 रुपये का इतना आप देख रहे हैं। हर हफ्ता 10वें दिन 15वें दिन जैसे भी मतलब यूज हो, क्लास चले वैसे लाना होता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी बहुत सारी खर्चाएं होती हैं। आपके जो असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं, आपके फ़ोन कॉल का जवाब देते हैं, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हैं दिन रात, हमेशा आपका PDF फाइल क्रिएट करते हैं, उन सबको हमें सैलरी देना होता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, क्लास को ज्वाइन करें, बाकी हम आपके साथ लगे रहेंगे। और हाँ, बार बार बोलते हैं कि क्लास नहीं चलेगी, व्हाट्सएप यूट्यूब पर नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी चलती है। उसका रीज़न बस वही है, शिकवा करूँ या शिकायत करूँ पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ। पढ़ाते तो आप ही लोगों के लिए है ना, दूसरे के लिए तो नहीं पढ़ाते, लेकिन बस आप लोग समझे बातों को। नियम नंबर 4 देखना, चौथा नियम क्या कहता है, ध्यान देना। अगर किसी संख्या की घात एक समान है लेकिन उसके आधार अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो संख्याएं अलग अलग थी उन लोगों को एक में मिला दिया जाता है और उन समान घातों को सबके ऊपर लगा दिया जाता है। बात समझ रहे ना? इसका कहने का ये मतलब है, जैसे आपने वितरण नियम पढ़ा होगा, कुछ वैसे ही होता है। जैसे कहा जाए कि अगर एक पंक्ति बनी, एक लाइन बनी है जिसमें 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़कों में से कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि छोटे बड़े तो हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग साइज के हैं, लेकिन उनके नंबर जो हैं, मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में एक समान हैं, ठीक है? तो उनको क्या किया जाए, सभी को एक एक पर्ची या एक एक नोटिस ना देते हुए एक कमरे में सबको कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए इस कमरे में इतना नंबर वाले हैं, मतलब एक समान नंबर वाले। उसमें लड़के जो होंगे अलग अलग टाइप के होंगे लेकिन नंबर एक समान है, ठीक ना? तो कुछ वैसे इसमें करा जाता है, जो अलग अलग आधार वाली संख्याएं हैं उनको एक में करके घात ऊपर से एक लगा दिया जाता है, बस मतलब वही जो भी रहती है। कैसे? एग्जांपल में सब समझ में आएगा। जैसे अगर लिखा है 3 का पावर 5 और इंटू यहाँ पर लिखा है 2 का पावर 5, तो इसको हल करोगे फाइनल में तो ये लिख देते हैं 3 × 2 और दोनों का पावर 5 बाहर से, बस समझ गए ना? और ये फाइनल में हो जाएगा 6 की घातें 5। यहाँ पर घात में कुछ भी नहीं करते हैं, घात जोड़ते ओड़ते नहीं याद रखना, ठीक ना? नहीं तो जोड़ लो 5 5 10 हो गया, 3 3 6 6 की घात 10 नहीं होगा, घात नहीं बदलेगी। हाँ, घात कब बदलती ये भी देखना, घात यहाँ बदलती अगर 3 की घात 5 × 3 की घात 5 होता, दोनों का बेस समान होता, आधार समान होता, तो इसे आप 3 की घातें ये 5 और 5 कर देते और 3 का घात 10 आ जाता। दोनों में अंतर समझना, वो अलग है, ये अलग है, यहाँ 2 घात है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। अभी लास्ट में हम आपको खूब सारे एग्जाम्पल देंगे, होमवर्क जरूर देखना और उसे करना, ठीक ना? तो ये घातांक के नियम है आप जो देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट रूल, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका खत्म हुआ ये। अगला 5वां नियम देखना, ये क्या कह रहा है? बिल्कुल सब कुछ एक है, थोड़ा सा अलग है। अलग अलग यानी कि पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का भाग। देखो आधार अलग अलग है, ए और बी है, घातें एक समान है ए और बी,
सॉरी घात एक समान है मतलब यन यन। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो घात ए पर थी और बी पर अलग अलग थी उसको एक में मिला करके दोनों का ब्रेकअट बंद करके घात लगा देते हैं। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेना। जैसे अगर लिखा है 3 का घात 7 और डिवाइड बाई यहाँ पर है 5 की घात 7, तो इसे आप लिख सकते हो 3 का घात 7 अपान ये 5 का घात 7 इक्वल, ये हो जाएगा 3/5 और फाइनल में इसकी घात क्या हो जाएगा 7। ये बात समझ में आई ना, आई समझ में। इस तरह का अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल, उसका आंसर आपको ऐसे करके बताना होगा। ये सारे स्टेप लिखने होंगे, याद रखना, एक भी मिस ना करना। और हाँ, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसमें आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जल्दी करिए, हो गया, हम आपको पर्याप्त टाइम देते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप काहे नहीं कर रहे हैं, या आपका अपना इच्छा, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान के अनुसार, है ना। आगे देखना, जैसे एक बात आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, अगर किसी संख्या का घात 1/2 लगा है, 1/2 लगा है, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, इसको आप अंडर रूट ए भी लिख सकते हो। बात समझ में आया ना, चाहे किसी संख्या का अंडर रूट लगाइए, चाहे उसकी घात 1/2 लगाइए, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक ना। और हाँ, अगर किसी संख्या की घात 1/3 लगी है, 1/3, तो इसका मतलब वो क्या है, उस संख्या का घनमूल निकाला गया है। यहाँ पर 3 होगा नुक्कड़ पर, और यहाँ पर 3 का मतलब कि क्या है, इस संख्या का घनमूल निकाला गया या निकाला जाएगा। ये सूत्र हैं घातांक के, अभी आगे प्रयोग होंगे, इनको छाप छाप के रख लो दिमाग और दिल में, ठीक ना, बसा के रख लीजिए, अभी आगे काम लगेंगे इन सब का। उदाहरण और भी देख लीजिए, एक दो, चाहे जो भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें, देखते चलिए। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, और ये हो गया, नोट हो गया ना, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल हम आपको खूब सारा दिखा देंगे, टेंशन मत लेना, बस क्लास को पूरा देखना, बीच में मिस ना करना, ठीक ना। समझ में आ रहा जी, आप लोगों के कमेंट्स का हम इस समय तुरंत रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उसका रीज़न आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने क्लास में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। बातचीत फिर से करेंगे, टेंशन मत लेना, बातचीत तो करने में बहुत मज़ा आता है मुझको भी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, उनको भी आप लोग समझिए बस। उदाहरण पहला लिखिए, ए का पावर -1/3 इंटू, ए का पावर -1/3 इंटू 2a का पावर -1/2, 2a का पावर -1/2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, आप लोग भी नोट करो इसको, सवाल को नहीं लिखोगे तो आएगा नहीं कुछ। देखिए, बहुत ही कंपटीशन वाले इसमें हार मान लेते हैं, लेकिन आपको नहीं हार मानना है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस वही जो अभी तक करते आए वही करना है, ठीक है ना। चलिए, अब इसको आप क्या करोगे, 2a, यहाँ पर ध्यान देना, 2a है ना एक आधार। एग्जाम्पल देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि a का पावर -1/3 इंटू बी का, सॉरी बी नहीं, ए, इसका -1/2, इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि ए की पावर 5 और इंटू ए की पावर 7 इसको कर लेते थे, तो बस वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा घात जो है वो गड़बड़ अवस्था में है ना, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस इनको समझने की बातें हैं। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये जुड़ जाएंगी -1/3 और प्लस, फिर जैसे भी हैं -1/2, इनको जोड़ना घटाना है, जिनको भिन्नों का जोड़ घटाना नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे, वो जीरो लेवल गणित अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो लेवल नहीं बताने वाले हैं। तो -1/3 और -1/2, चूँकि ये ब्रेकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3,
तीन दूना छः, ये कुल मिलाकर के माइनस पाँच बटा छः आएगा, क्या आएगा माइनस फाइव अपान सिक्स। तो फाइनल में आपको माइनस फाइव अपान सिक्स मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो लोग जीरो लेवल गणित नहीं जानते हैं बिल्कुल बेसिक, ये कैसे हो गया, भिन्न वगैरह ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, वो बेसिक क्लास अवश्य ज्वाइन करें। आपने डीएलएड ज्वाइन किया तो आपको डीएलएड का क्लास मिलता रहेगा, ठीक ना। इतना समझ में आया, एक और सवाल करना, दूसरा इसी में का एक और कर लो। नेक्स्ट नंबर ये कह रहा है फोर का पावर माइनस फाइव अपान सेवन और इंटू फोर का पावर माइनस थ्री अपान टू, इसका मान क्या होगा बताओ जल्दी से, देखना। ये फोर का पावर माइनस फाइव अपान सेवन वैसे रहेगा, फिर जुड़ जाएगा घात माइनस थ्री अपान टू, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो भिन्न ऊपर दी गई है माइनस वाली उसको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, और जोड़ करके खट से ला करके यहाँ पर मान रख देना है, बस इतना सा करना है। ये लो देखो इधर, तो ये माइनस फाइव अपान सेवन और ये माइनस थ्री अपान टू, इसको जोड़ोगे तीन पचे पंद्रह और ये सात त्रिका इक्कीस और ये सात दूना चौदह, जोड़ लो पाँच एक छः दो एक तीन और ये हो गया फोर्टीन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हाँ कट जाएगा कितने से, दो से कटेगा अठारह और ये सात, यानी कि चार का पावर अठारह बटा सात, ये उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई ना। अब होमवर्क पे आ जाओ जल्दी से, होमवर्क लिख लीजिए। याद रखिए क्लास छोटी हो या बड़ी हो, आधे घंटे की क्लास में भी हम आपको इतना सिखा देंगे कि आप बाद में उसको जाके दो घंटा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। याद रखना, ये मत सोचना आधा घंटा पंद्रह मिनट क्लास होती है इसमें का सीखते हैं, इसमें जो होमवर्क मिलता है, जो टॉपिक आपको बताया जाता है, उसको अगर दिल लगा के सीखोगे तो बाद में जा करके पढ़ोगे तो एक दो घंटे आप सभी पढ़ सकते हो, ठीक ना। बाकी जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर चलाते हैं उस पर कुछ अच्छी बातें भी सीखें। पीवीआर स्टडी को लाइक करें फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, जो भी आप यूज करते हैं सर्च करके, और लाइक करके फॉलो कर लें। आप सारी अपडेट और क्लास को फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख सकेंगे। चलिए होमवर्क नोट करिए जल्दी से, तुरंत जल्दी से होमवर्क नोट करिए। अभी एक तरीका और बताना, इसमें एक छूटा हुआ है, जल्दी करिए। आपके पास पूरे एक मिनट से कम का समय है, पूरे 30-40 सेकंड का समय है, उतने देर में लिख नहीं पाओगे। स्क्रीन पर टच करके रोक लीजिए वीडियो को, फिर लिख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको याद दिला दें, पीबीआर स्टडी ब्लॉग, जिस पर आप हमारी लाइफ से संबंधित कुछ पर्सनल वीडियो देख सकते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ भी ना छुपाएंगे। आप लोग पीबीआर स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। बाकी जो नीचे दिए गए चैनल, इजी डेरिवेशन साइंस के लिए स्पेशलिस्ट हिमांशु सर के द्वारा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और देखते रहना। चलिए एक बचा हुआ तरीका आपको बताते हैं, ये हो गया ना 100 सवाल, जल्दी नोट करिए, 12 क्वेश्चन है, हो गए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक लीजिए उसी पर। देखिए हम आपको ये सवाल बताने को भूल गए थे, इस टाइप का, जैसे 243 की घाते 3 बटा 5 लगी है, तो आप इसको लास्ट में, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको ले लेंगे, उसकी पावर कितनी लगाएंगे जो लास्ट में हर दिया गया है, यानी 3 की घात 5, और फिर बाद में उसी घात से गुणा कर देंगे, तो फाइनल में घात घात का गुणा हो जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 की घात 3 इक्वल 27 यानी कि 27 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। इसी तरह का आप एक सवाल और भी करके लेके आना, उसका नाम है 512, इसकी घात लगा दो 3 बटा 5, इसका मान बताना आप सभी, ठीक ना। तो साथियों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। आपकी अगली क्लास 6:30 बजे से होगी, डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होगी सुबह 6:30 बजे से, ठीक है। आप लोग उठ जाते हो ना 6:30 बजे, और जो लोग डेली क्लास करना चाहते हैं, कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया से ही नहीं दूसरे देश में भी रह रहे हैं, तो वहाँ से भी वो पढ़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें, क्योंकि आज आपको क्लास यूट्यूब पर मिल रही है, हो सकता है कल मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इस नंबर पर मैसेज करके और 549 का पे करके ज्वाइन कर लेंगे तो गारंटी के साथ आपको डेली क्लास मिलेगी। कोई भी डाउट होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। हर प्रकार से हमारी टीम आपके लिए हेल्प
उसके लिए रेडी रहेगी। तो शुक्रिया आप सभी को इतना देर तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार, और हाँ 10 बजे से कक्षा 10 की NCERT गणित अवश्य देखना, सुबह 10 बजे से। और जो चैनल पे आप इस समय जुड़े हो ना, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। अगर आप इस समय इसे फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलना, जिससे अगली बार फिर से जुड़ पाओ। थैंक यू।